रिया के समर्थन में हीना खान, कहा कम से कम जांच पूरी होने तक एक्ट्रेस के खिलाफ ना फैलाएं नफरत। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड से लेकर फैंस सदमे में हैं। इस केस को 2 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन सुशांत की मौत की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। पिछले कई हफ्ते में लगातार सुशांत की फैमिली और फैंस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया हुआ है और एक्ट्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त हेट कैंपेन चल रहा है। हालांकि रिया ने अपने खिलाफ चल रही इस थ्योरी और झूठे प्रचार का जवाब एक इंटरव्यू के दौरान दिया। इस इंटरव्यू के बाद कई लोग ये मान रहे हैं कि जब तक वे दोषी साबित नहीं हो जाती, कम से कम तब तक रिया चक्रवर्ती की सोशल मीडिया पर हेट कैंपेन ना की जाए और उनके खिलाफ झूठे कैंपेन ना फैलाए जाए। हाल ही में एक्ट्रेस हीना खान ने भी अपने इंटरव्यू में इस बारे में बात की। हीना खान ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि कम से कम इस मामले की जांच सीबीआई को कर लेने दीजिए, उसके बाद लोग किसी को भी लेकर राय बनाने के लिए आजाद हैं। आप इन आरोपों के सहारे एक्ट्रेस का करियर हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं, वो शायद फिर किसी को फेस करने में सक्षम न हो पाए। हम सभी चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले, लेकिन वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में चैनलों पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के बारे में बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर एक बैलेंस अप्रोच तो अपनाना ही चाहिए। हीना ने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्हें भी बिग बॉस शो के दौरान और शो खत्म होने के बाद भी ट्रॉल किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने भी ट्रॉलिंग और भद्दी गालियों को सहा है। ये सब कीबोर्ड के पीछे बैठे कायर ट्रॉलर्स नहीं थे, बल्कि वो लोग भी थे जिनके ट्विटर पर वेरीफाइड हैंडल्स थे। मेरे लिए उन भद्दे कमेंट्स को झेलना बेहद मुश्किल था। हीना ने कहा कि लोगों ने उन्हें इस शो पर देखकर काफी जज किया और सोशल मीडिया पर हेट के चलते सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी नेगेटिव तौर पर प्रभावित होते हैं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।